देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। रायसेन जिले की हाई प्रोफाइल विधानसभा सिलवानी में आज निर्दलीय प्रत्याशी नीलमणि शाह ने अपने कार्यालय उद्घाटन पर दिखाई ताकत। हजारों की संख्या में जनसमूह जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं सिलवानी विधानसभा में आज का प्रदर्शन देखते हुए सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस भाजपा की हालत गंभीर हो जाएगी। दरअसल नीलमणि शाह के पिता राजा लोक विजय शाह कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर अपने बेटे नीलमणि शाह को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बता दें सिलवानी विधानसभा में भाजपा के शिवराज सिंह चौहान के करीबी मंत्री रामपाल सिंह भाजपा से और कांग्रेस की ओर से देवेंद्र पटेल को चुनाव मैदान में उतारा गया। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरी यादव भी सिलवानी से ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में नीलमणि शाह का यह प्रदर्शन सभी पार्टियों को सख्ते में लाकर छोड़ देगा। अब आपको चुनाव चिन्ह मिल गया है, किन प्राथमिक या किन बातों को लेकर आगे आप चुनाव में उतरेंगे? अब जैसे हम लोगों को चुनाव चिन्ह मिला है तो सब लोग खुशी से, मतलब आज हम लोगों ने रैली निकाली और हम लोग आगे इसी में बढ़ रहे हैं। जो हम लोग को किसानों के लिए जो सही दाम नहीं मिल रहे हैं, उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं पे पानी की अभी भी व्यवस्था ठीक नहीं है, आज भी महिलाएं दूर दूर से घड़ों में पानी भर भर के लेके आ रही हैं, और शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों के बीच में, जो रोडों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो अवैध खनन हो रहा है, वो उसको देखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो अत्याचार हो रहा है हमारे जनता पर, बहु बेटियों पर, तो वो ये सब मुद्दे हैं जिनको लेकर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की सभाएं, जैसे अभी कमलनाथ की हो गई, इससे पहले बीजेपी की शिवराज की रही, क्या आपके भी कोई ऐसे बड़े नेता या कोई उनकी सभाएँ होंगी क्या सिलवानी विधानसभा में? नहीं, हमारी जनता ही हमारी नेता है, वो जो सभा करेगी जनता करेगी, हम नहीं है। आपको चुनाव चिन्ह अलमारी मिला है, अब ये जनता उस अलमारी को फुल करेगी। खबर समय जगत के लिए रायसेन से लीलाधर साहू की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।